देख रहे हो ये कैनन LBP 2900 का है। इसका पार्ट कोड है RMI 2-8086। तो इसमें जनरली इशू ये आता है कि फिक्सिंग यूनिट एरर आ गया इसमें। तो इस पावर सप्लाई को हम कैसे रिपेयर करेंगे तो इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए। तो फिलहाल देखते हैं इसकी टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये अपना मीटर पर लगाना है बीप रेंज पर, और ये 8 PM की IC होती है जो फ्यूजर को पावर देती है, कंट्रोल करती है, ठीक है, कमांड के अकॉर्डिंग। तो हम चेक करेंगे इनके ट्रैक सबसे पहले। तो ये ठीक है, आपस में कनेक्टिविटी आ रही है। इनको आपको ऐसे चेक करना है, इससे और इससे, ऐसे कहीं से बीप नहीं आना चाहिए। अगर बीप आता है तो ये शॉर्ट है, जिसके वजह से आपका टैपलॉन प्रेशर रोलर बार बार हीट ओवर हीट करके सिकुड़ के आपस में चिपक जाएगा, जल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये ठीक है, तो उसके बाद से हम कहीं देखेंगे बैक साइड में कहीं ट्रैक ना टूटा हो इसका, आपस में कनेक्टिविटी चेक करेंगे यहाँ से और यहाँ तक का, ये ठीक है तो 100%। फिर अब दूसरी जो आपने ये सब कर लिया, आपका प्रेशर फ्यूजर चेंज कर लिया, तो उसके बाद से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो इसको चेक करेंगे तो इसको बीप आना चाहिए, ठीक है। सेकंड ये प्रॉब्लम होता है, तो ये बीप ओके, 22 ओम दिखा रहा है, 22 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये फ्यूज भी ओके, सब कुछ फ्यूज तो ओके रहेगा तभी तो फिक्सिंग यूनिट एरर देगा। ये प्राइमरी सेक्शन का फ्यूज है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन है, ये हमारा आप देख सकते हो ये है कॉइल, ठीक है। तो इसमें रिले लगा होता है, कॉइल्स बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉइल लिखा हुआ है 224 वोल्ट का है, और इसमें AC का देखोगे 250 वोल्ट का, दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम होता है तो इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये और प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, इसी में प्रॉब्लम 100% होगा। तो रिले प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा होगा, फिक्सिंग यूनिट का एरर दे रहा होगा, वोल्टेज को शिफ्ट नहीं कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे और फिर प्रिंटर में लगा के चल जाएगा 100%। तो इसके लिए आपको कोई भी आपका स्क्रैप बोर्ड से निकाल के आप रिले लगा सकते हैं, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं होता है। देखिए इसका जो दूसरा लेग है रिले का आउटपुट का, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारा फ्यूजर का कनेक्टर होता है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सोल्डर सील लगा रहे हैं कि जल्दी से ये निकल जाएगा और हम इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो ये इसका आउटपुट का एक जो कनेक्टर बैक साइड से, तो एक रिले से अटैच हो रहा है। तो ये रिले में पावर जाता है तब तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसमें काम करता है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे आज, तो हम बिना शोल्डर वायर का यहाँ पे निकाल लेंगे इसको हाथ के हाथ। देखिए निकल चुका है, ये होता है हमारा रिले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिले का आप सबको पता होगा, आपस में ये चिपक जाएगा तो भी एक जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम रख देते हैं साइड में। अब दूसरे से हम रिले निकालेंगे, स्क्रैप बोर्ड है, डेड बोर्ड है कुछ, और इसमें टूट गई थी, देखिए ये पावर सप्लाई टूटी हुई है, तो इससे हम निकाल के लगा देंगे। तो रिले सेम होता है, 10-20 या कोई भी प्रिंटर का रिले सेम होता है, जो इस तरह से फ्यूजर हो, छोटा सा पावर सप्लाई हो, ठीक है। तो हम इसका रिले निकाल के हाथ के हाथ लगा देंगे। मेक श्योर आपका रिले डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज होगा तब काम नहीं करेगा। तो ये डैमेज पावर सप्लाई से मैं निकाल के यहाँ से डोनर बोर्ड से लगा रहा हूँ, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, ये काम तभी करता है जब इसमें पावर जाता है, ठीक है, विदाउट पावर ये काम नहीं करता है। तो इसका आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन से आप निकालेंगे वैसे पिन इसके हिसाब से रहता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसका जो कनेक्टर होता है, ये देखिए, ओके, कनेक्टर क्लीन कर लेने के बाद हम फिर से इसको लगा लेंगे वापस। ओके, तो इसमें हम रिले लगा के फिर प्रिंटर में लगा के आपको पार्ट टू में हम या इसी में ऐड करके दिखाएंगे। तो ये अलग से सेपरेट हमने वीडियो इसलिए बनाया कि आप पावर सप्लाई को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाइडेंस को प्रॉपर फॉलो करिए, आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये पिन है, तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए पिन केयरफुली आपको रखना है, नहीं तो ये टूट जाएगा, एक से दो बार आप अटैच करेंगे तो। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका जो होल्स है इसको हम क्लियर कर लेंगे पहले,
जिससे आसानी से लग जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, बिना इसके क्लियर किए आप लगाओगे तो पिन टूट जाएगा, तो ये आपका रिले दोबारा आपको लेना होगा। ठीक है, आई थिंक ये कैमरे में आ रहा होगा, बट नहीं आ रहा होगा तो हम इसे प्रॉपर दिखा देंगे। लगाना तो आपको आता ही होगा सबको, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको नहीं पता हो तो इलीगल एक्टिविटी ना करें। तो ये हमारा लग गया हाथ के आप। ठीक है, सोल्डिंग कर लिया हमने। चलिए प्रिंटर में कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट मिलता है आपको। ये शोल्डरिंग लो दोस्त, लगा के देखो। तो ये तो प्रिंटर में अभी ये कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम लगा के देखेंगे। सप्लाई को कैसे कंफर्म करना है कि आपका सप्लाई किस स्टेट में ख़राब है, तो हम मल्टीमीटर से चेक करके ज़रूर जान सकते हैं कि हमारा सप्लाई ख़राब है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, तो क्योंकि रिले तभी काम करता है। तो अभी मेरे पास मल्टीमीटर से मैं आपको हॉट टेस्टिंग पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाऊंगा, इससे आप जान सकते हैं कि आपका 100% सप्लाई ख़राब है। तो मोस्टली इंजीनियर यही गलती करते हैं, जो उनको पता नहीं होता है। तो अपने पास ये मीटर है, आपको एसी पर रखना है अपने मल्टीमीटर को, एसी रेंज पे, हायर रेंज पे जितना इनपुट वोल्टेज आता है। जैसे आप हमारे पास 750 और 400 का है, तो हमारे जो प्रिंटर में जाता है 220 वोल्ट स्टैंडर्ड जाता है, तो 250 तक मैक्सिमम हो सकता है, तो हमने 400 का रख लिया है। अब इसमें हम कनेक्शन करने के बाद हम दोनों कनेक्टर पे क्या करेंगे, प्रिंटर चालू करने से पहले इसको दोनों प्रॉप को हम इसके टर्मिनल पर रखेंगे। ये दोनों टर्मिनल हैं, ठीक है, इस पर रखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा रियल टाइम वोल्टेज की सप्लाई काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए पावर लगा के देखते हैं। तो इसमें पावर कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाइट जल गई है और इंजन भी घूमेगा। देखिए इंजन भी घूम चुका और यहाँ पे वोल्टेज आ गया है, देखिए रियल टाइम वोल्टेज आ गया। 110 वोल्ट का हमारा हीटर है और ये प्रॉपर तरीके से प्रिंटर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब चलिए इसमें प्रिंट देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और अपने सिस्टम से कमांड देंगे, फिर ये चालू हो जाएगा। एक मिनट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन यहाँ भी होता है, यहाँ से भी हम कमांड दे सकते हैं बट, और एक इधर से भी होता है। तो फिलहाल इंजन टेस्ट इसका लिंक लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे सिस्टम से डायरेक्ट देख लेंगे कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको रियल टाइम, आपको जिसको नहीं पता है, आप लगाओ इधर से। तो ये ट्रिक अभी कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये दोनों कनेक्टर पर रखिए, दोबारा टेस्टिंग बता देता हूँ, केयरफुली देखिए, दोनों पे लगाना है कनेक्टर पे। इन आपको प्रिंटर को ऑन करना है एसी मोड में रख के, ऑन करते ही यहाँ पे इनपुट में 110 से 100 एडजस्टमेंट होना चाहिए, 110 से नीचे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट होकर जीरो हो गया। अगर यहाँ पर वोल्टेज 10-15-20 या 0-0 दिखाता हो तो ये ख़राब होता। ठीक है, तब बूट होता है, हम प्रिंट लेके देखते हैं, काम कर रहा 100% सप्लाई इज ओके। अगर इसके अलावा फ्यूचर में जो इम्पीडेंस होता है वो 50 से 90 के बीच में नहीं आता है, आउट ऑफ द रेंज आता है या नहीं आता है, तो ख़राब है। ठीक है, तो जैसे सिस्टम बूट होता है हमारा, तब तक हम कंटिन्यू कर प्रिंट दिखाते हैं आपको। देखिए सिस्टम से अभी कमांड देंगे, अब यहाँ से मैं प्रेस करके रखता हूँ रिले को जो इसका है। देखिए इंजन रोटेट कर रहा है दोबारा, अभी कमांड देंगे, थोड़ा स्लो है सिस्टम बट यहाँ से प्रिंटिंग आ जाएगा। एक
प्रिंटिंग और भी होता है, सेल्फ टेस्ट, यहाँ से इंजन टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे चार पांच होता है, तो राइट साइड में आपको, लेकिन वो थोड़ा इधर से कमांड देंगे, अब देखेंगे कुछ एरर आता है नहीं आता है। तो यहाँ से फिल्टर रेडी है और कमांड इन्होंने सेंड कर दिया। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग आ रहा, तो ये खींच लिया प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग भी आ चुका है, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे भी कोई फिक्सिंग यूनिट का एरर नहीं आ रहा। इस तरह से अपनी सप्लाई डिफरेंट तरीके से रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे नए प्रिंटर के बारे में और भी इक्विपमेंट है।